सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और कल नाइट में हमने बताया था आपको कि मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे पेट में ऐसे दर्द हो रहा, वोमिट सा फील हो रहा। तो वोमिटिंग तो अभी तक नहीं हुई है फ्रेंड्स, हालांकि मन ऐसा बहुत हो रहा था नाइट से। और दवा खाई थी ना पेट के दर्द का, वो जो डॉक्टर ने दवा लिखा था वो डाइजन कुछ करके था, तो वो खाने के बाद ना मुझे पेट के दर्द में भी आराम हो गया, पेट का दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया, आराम नहीं बोलेंगे बिल्कुल ही गायब हो गया। उसके बाद सुबह से क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं सुबह में उठी हूँ ना तो ऐसे मेरा ना पाँव का नस वगैरह एकदम खींच रहा था, ऐसे कमजोरी लग रही थी। और उसके बाद जैसे मैं किचन की तरफ गई हूँ कि थोड़ा देखूँ, मतलब किचन को थोड़ा समेटूँ, नाइट में थोड़ी पेट वगैरह में दर्द थे ना, तो उस टाइम को ऐसी रोटी वगैरह बना करके दे दी थी और मैं ऐसे किचन पूरा बिखरा बिखरा छोड़ दी थी। तो मैंने पहले किचन को साफ वगैरह की, उसके बाद वहीं पे किचन साफ करते करते फ्रेंड्स उसी टाइम मुझे ना फिर से पेट में दर्द देना शुरू हुआ और मेरे लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो सुबह कम से कम कितना बजे से फ्रेंड्स, 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक में मुझे कम से कम 6 से 7 बार लूज मोशंस हो गए। और हालांकि वोमिटिंग नहीं हुई है, तो आप लोग को तो पता ही है फ्रेंड्स कि लूज मोशन होने से कैसा आपको कमजोरी लगता था। अभी मुझे इतनी ज्यादा वीकनेस लग रही है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे उससे भी बड़ी चीज है फ्रेंड्स कि मुझे कुछ भी होता है ना तो मुझे ना मेरा प्रेशर लो हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स कि मेरे ना प्रेशर लो हो रहा है, उसकी वजह से ना अभी इतनी गर्मी है, मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है, मेरे पांव एकदम बर्फ पड़ रहे हैं। और शैम गए हैं दवा लाने के लिए, और सुबह से एक बोतल ओआरएस शैम बना करके दिए थे वो मैंने फ्रीज कर दिया, और ये दूसरा है इसमें भी ओआरएस मिला करके शैम रख करके गया, तो उसको मैंने अभी थोड़ा पिया है। फ्रेंड्स ऐसा होता ना कि एक तो लूज मोशन वगैरह होने से ना ऐसी टंका टेस्ट इतना मेरा अजीब बना हुआ है ना, मैं क्या बताऊं। ऊपर से ये ओआरएस पीने से ना उससे और लगता है कि कितना वोमिटिंग होगा, इस तरह का फील होता है। बट क्या करूंगी, धीरे धीरे करके एक बोतल मैंने फिनिश किया सुबह से और अभी एक बोतल बचा हुआ है। थोड़ा ये ओआरएस पी रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो इसी से ना थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसे जान आ रही है बदन में। तो शायद फिर मेरा दवाई लाने के लिए मेडिकल गए हैं लूज मोशंस बंद होने के। तो बस यही है फ्रेंड्स अपडेट, सुबह से कुछ भी नहीं, मतलब उस टाइम इतना ये था, बार बार वॉशरूम जा रही थी तो शायद इतना परेशान हो गए थे देख करके कि मैं क्या ही बताऊं। तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग व्लॉग ना मैं की ना शैम कर रहे थे। अभी मेरे क्या मन में आया तो मैंने जस्ट ऐसे फोन उठा लिया कि आप लोगों को बस कुछ अपडेट दे दूं, क्योंकि आगे कंटिन्यू ये ब्लॉग कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि आपको लोगों को बस बता ही दूं फ्रेंड्स। तो ऐसा ही है, जल्दी से बस मेरा जो मेडिसिन आ रहा है लूज मोशन बंद होने के, वो खाने से बस वो चीज़ असर हो जाए फिर क्या, कमजोरी तो वो मेरा अपना ठीक होता रहेगा, उसका मुझे ये नहीं है। बट ये यार इस पे इतनी नींद आ रही है ना फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी आंख ऐसे, मतलब मन कर रहा है ना कि बस सिर्फ सो जाऊँ। और देखिए आंख के नीचे एकदम गड्ढे गड्ढे से और ज्यादा हो गए, ऐसा मन कर रहा है चुपचाप बस सो जाऊँ। तो जा रही फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ना, देखिए फिर शाम कब तक आ रहे, मुश्किल से 2 से 4 मिनट में आ जाएंगे। तो दवा खाऊंगी उसके बाद ना अगर मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी फ्रेंड्स। और देखती हूँ आज इस ब्लॉग का मतलब कब ये कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, कंटिन्यू कर पाती हूँ ब्लॉग की नहीं कर पाती हूँ, बस मैंने इतना शुरू कर दिया, बाकी देखती हूँ क्या होता है। द नेक्स्ट डे आज है फ्रेंड्स 7 मार्च थर्सडे। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने अगेन कर दी है, और कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था मेरी तबीयत सही नहीं थी उसी टाइम बनाया था, तो ब्लॉग ना मैं कोशिश की कंटिन्यू करने का, बट मुझसे ना कंटिन्यू नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया था। तो बस नाइट में वही दलिया खिचड़ी, मतलब दिन भर का मेरा यही सब खाना पीना था, और शैम हेल्प कर रहे थे उस चीज़ में। हालांकि किसी तरह जा करके किचन में मैं ही खिचड़ी वगैरह चढ़ा रही थी, वो लिक्विड वाली, यही सब करके हमने खाया पिया। हालांकि मेडिसिन वगैरह खाने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज। और तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और शैम बच्चों को पढ़ा रहे थे और 9:30 हो गए हैं, तो शैम को लग गई थी आज भूख, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी ब्रेकफास्ट दे दो, तो हमने सत्तू का पैकेट मंगवा लिया था, तो इसी से मैं उनका आज ब्रेकफास्ट मतलब कराऊंगी, उनको दूंगी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सत्तू ही बना ले रही हूँ। एक्चुअली ना वो इस टाइम बहुत कम ही ब्रेकफास्ट सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद ही अक्सर करते हैं, बट आज उनको ना थोड़ी भूख लग गई है जल्दी, तो मैं सोची कि कोई बात नहीं बना देती हूँ। तो सत्तू में ना मैं ऑनियन और ग्रीन चिली और थोड़ा सा नींबू भी हमने डाला, ग्रीन चिली ऑनियन को हमने चॉप करके डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला, ये सब डाल डूल करके फ्रेंड्स हमने बना लिया है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ब्लॉग में हमने दिखाया था बट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैं फिर से डिटेल में बता दे रही हूँ। यहाँ पे हमने क्यूमिन सीड और ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है। यहाँ चेयर पर बैठ के पूछिए और दूंगी, हाँ बहुत टेस्टी बनाई हूँ, आप पी करके देखिए। Very, very good.
अच्छा बनो है ना। तो शाम को तो हमने दे दिया फ्रेंड्स सत्तू शेक बना करके, और मैं ना अभी यहाँ पे अपने लिए रखूंगी वो जो इसाब गुल होता है फ्रेंड्स, उसको सोक करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई नाश्ता नहीं किया कुछ भी। मैं ना क्या काम की, मॉर्निंग में उठने के बाद सिर्फ मैंने ना ब्रश वगैरह करने के बाद एल्ट्रॉक्सिन जो होता है उसे मैंने ले लिया है, जो मेरी थायराइड की दवाई है वो लेने के बाद मैं ना ऐसी थी, और अभी मैं ये सब गोल ना सोक करने के लिए रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि आज ना सबसे पहले मैं इसे लूँ, उसके बाद ही मैं कोई भी मील वगैरह लूँगी। तो अभी इसे मैंने रख दिया है ताल मिश्री डाल करके सोक होने के लिए। सारे फोल्ड करने के लिए बचे हुए थे फ्रेंड्स, ये सारे मेरे कपड़े हैं, और शैम के कपड़े को उनके बैग में हमने डाल दिया। बस मैंने भी अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया, और टाइम हो रहा है 10:45। ट्यूशन क्लास वगैरह सारे खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स, और मेरी तबीयत सही है, मतलब जो लूज मोशन की प्रॉब्लम थी कल के ही मेडिसिन से मेरा बिल्कुल सही हो चुका है, बहुत आराम मिल चुका है मुझे। बस वही है फ्रेंड्स, वीकनेस आज भी थोड़ी थोड़ी लगी रही है, और उसी का रीजन ये है कि मेरा प्रेशर मॉर्निंग में सैम ने चेक किया तो प्रेशर अभी भी मेरा बहुत ज्यादा डाउन है, नीचे है, और उसी की वजह से फ्रेंड्स पांव के पंजे एकदम बड़क पड़ रहे हैं अभी भी। हालांकि यहाँ इतनी गर्मी है कि अभी प्रॉब्लम ये भी हो रहा है फ्रेंड्स कि जैसे मुझे ना लग रही है बहुत ठंडी, फैन चालू रहता है ऐसे भी ठंडी लग रही है। सुबह में उठने के बाद फोल्ड कर देती हूँ, तो आज हमने फोल्ड भी नहीं किया, ब्लैंकेट डाल करके ही ना मैं लेटू या बैठू जो भी हो। लेकिन वही है कि शैम अभी जस्ट नीचे उतरे हैं काम से, तो मैं ना फैन ऑफ की हूँ। प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स कि शैम को लगती है गर्मी, और मुझे अभी मतलब प्रेशर लो की वजह से मुझे लग रही है ठंडी, तो फैन अब दो रूम भी नहीं है कि एक रूम में मैं फैन ऑफ करके रहूं और एक रूम में शैम रहेंगे फैन ऑन करके। तो उस वजह से सुबह से मैं ना हॉल में तो काम में ही लगी हुई थी, और अभी शैम चले गए तो मैंने फैन को कर दिया ऑफ, और मुझे ऐसे ही रहने में भी अच्छा सुकून सा लग रहा है फ्रेंड्स। बाकी ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। खाना वगैरह भी मैंने जो सैम के फ्रेंड है मतलब उनसे सैम ने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मेरा पेट भी पूरा एकदम सही है, बन चुका है, और उनके फ्रेंड ने भी कहा कि अब मैं नॉर्मल खाना पीना आज से खा सकती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज भी थोड़ा सॉफ्ट चीजों को लूँ, जैसे कि मैंने सोचा है कि कल तो दलिया खिचड़ी ये सब हमने लिया था, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कर्ड राइस ले लूंगी लंच में, अपने लंच में कर्ड और राइस ले लूंगी। और अभी मैं वही सब गोल को मैंने ना सोक करने डाला कि ताकि मेरे पेट को और ज्यादा एकदम कूल कर दे, ठंडा कर दे। तो बस यही सब है फ्रेंड्स, तो जा रही हूँ वो लेने के लिए, क्योंकि मुझे ना फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी ना भूख भी लग रही है, तो पहले वो पी लूँ, उसके बाद जो है ना डस्टिंग करनी बाकी है फ्रेंड्स। अभी तक मतलब सुबह में जो बच्चे पढ़ के अभी जस्ट निकले तो डस्टिंग वगैरह करना बाकी है, और शाम पढ़ा करके उठे तो देखिए सोफा वगैरह का हाल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो पहले मैं ना ये सब गोल पी लूँ, थोड़े पेट में जान आ जाए, उसके बाद जो है ना फिर करती हूँ काम बाकी। A few moments later. तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ना आराम करने, और ब्लॉग का भी एंड करूंगी, क्योंकि अच्छा खासा ब्लॉग हमारा हो ही चुका है। तो मैं सोची ना कि ब्लॉग का एंड करने से पहले एक कमेंट ले लूँ, जो कि जिनका नाम मैंने लास्ट ब्लॉग में भी लिया था, जो कि है मुशर्रफ ठाकुर आईडी से। उन्होंने लिखा था अस्सलाम वालेकुम नगमा अपी, मेरा नाम मुस्कान है, मतलब उनका नाम एक्चुअली मुस्कान है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, अभी तक मुझे कोई बेबी नहीं हुआ। मैंने चेकअप कराई तो डॉक्टरों ने पीसीओडी और थायराइड बताया है। मेरा वेट 80 kg है। बाजी आप मुझे कोई अच्छा डाइट दें जिससे मैं अपना वेट लॉस करके बेबी प्लान कर लूं। मैंने आपका चैनल 29 फरवरी से देखा, प्लीज हेल्प, आप ही कोई डाइट दे मुझे। डाइट तो मैं भी ऐसा आप लोग देखते हैं मैं जब भी वेट लॉस करती हूँ नहीं करती हूँ। और यही बात बेबी न होने की, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जिनको भी थायराइड है पीसीओडी है और वो बहुत ज्यादा मतलब आपका बढ़ा हुआ है, तो आप जितना भी कुछ कर ले आपका बेबी नहीं होगा। अगर बाई चांस वो आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगी, अगर कभी आपने किसी तरह कंसीव भी कर लिया ना, तो वो बेबी आपका 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने
तीन महीने का होते होते वो फिर नहीं रुक पाता, वो आपका खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों से अच्छा है मुस्कान कि आपने क्या काम करे, सबसे पहले ना अपने वेट लॉस का ख्याल रखे और डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी शुरू कर दे, क्योंकि सिर्फ आप सोचेंगे कि डाइट कर करके वेट लॉस मैं कर लूंगी और मेरा पीसीओडी थायराइड सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो गलती मैंने किया वो आप बिल्कुल भी ना करें। रही बात तो आप डाइट इसमें करना सही बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा रोल होता है आपके डाइट करने का, तब जाके आपका पीसीओडी थायराइड सारी चीजों पे कंट्रोल होगा। पर आप सिर्फ सोचेंगे मेडिसिन लेते रहे और डाइट ना करें, तो मेडिसिन से ना आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा, जो प्रॉब्लम आपके बॉडी के साथ जो इश्यूज हो रही है, आप मेंटली जो फील कर रहे हैं उसमें थोड़ा आपको आराम मिलेगा, बट वो प्रॉब्लम दूर नहीं जाएगी। तो आप पहले कोशिश करें कि आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से, वो जैसे जैसे आपको ट्रीटमेंट चला रहे हैं वो उसको आप कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ ना आप अच्छी डाइट करें, अच्छी डाइट मीन्स कि घर का खाना जो बनता है वही खाएं, राइस बिल्कुल भी नहीं खाएं जिनको पीसीओडी थायराइड है, जैसे कि मैं, तो राइस मुझे भी मना है। दूसरी चीज डियर कि पीसीओडी थायराइड वाले को बहुत सारी चीजें बना होती है, वो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। बाकी मेरे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ आलू और राइस मना किया था अभी फिलहाल, बाकी सारी चीजें उन्होंने बोली थी कि थोड़ी बहुत आप खा सकते हैं, आलू और राइस को स्ट्रिक्टली मना किया था और गोश्त खाने को मना किया था, तो वो सब सारी चीजें हैं। बाकी चिकन वगैरह उन्होंने बोला कि चिकन वगैरह थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, और चिकन में भी जो फैटी पीस होता है वो आप नहीं खाए, जैसे चेस्ट पीस हमें अलाउ किया है डॉक्टर ने। तो मैं ऐसे भी चिकन शुरू से ही जब भी मंगवाती हूँ तो मैं ज्यादातर ना चेस्ट पीस ही मंगवाती हूँ। दूसरी चीज की डियर, आप परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि पीसीओडी थायराइड ऐसी चीज है ना कि इसमें आप जितना ज्यादा टेंशन लेंगे ना उतना ज्यादा ये आपका अनकंट्रोल होता है इसमें, क्योंकि इसमें आपका ना हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है, जो कि मुझे है, मेरा बहुत हद तक ठीक हुआ, कुछ कुछ चीजों पर तो मैंने काफी उस चीज को ठीक किया है मेडिसिन के थ्रू, और थोड़ी अपनी डाइट मैंने सही की है। हालांकि वेट पे मुझे ज्यादा असर नहीं हो रहा, लेकिन हम मेंटली जो मैं जितना डिस्टर्ब थी ना उस पर मुझे काफी आराम मिला है, लेकिन अभी कुछ कुछ चीजें मेरी अभी भी इतनी आसानी से तो फ्रेंड्स जाएगी नहीं, क्योंकि जो चीजें मेरी बरसों से जो है ना चली आती रही है सालों से, और धीरे धीरे करके वो अपना जड़ पकड़ लिए, स्ट्रांग हो गई, तो वो चीजों को अब ठीक करने में भी मुझे उतना ही वक्त देना पड़ेगा। एकदम से हड़बड़ा के कोई चीजें नहीं होती है, ये कोई अगर नॉर्मल प्रॉब्लम भी नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अब आम मतलब अब ऐसा है कि हर किसी को हो रहा है। मैं उस दिन जब डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बताया कि आप लोग तो मैरिड है और बहुत सारे ऐसे है कि कम एज की लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम अब आना शुरू हो गई जो अनमैरिड है, तो ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने की ही वजह से ये सब चीजें होती है। जो हम लोग जब तक होता क्या फ्रेंड, जब तक हम लोग सही रहते हैं ना, तो हम लोग किसी चीज का उतना केयर नहीं करते, हेल्दी अनहेल्दी कुछ नहीं समझते, हर चीज खाते पीते जाओ, मजे लेते जाओ, लेकिन वही चीज होती है ना कि कहाँ पे कौन सी चीजें रॉन्ग जा रही है हमें नहीं पता होता। जब हमारे हमारे बॉडी में कोई बीमारी उस वजह से आ जाती है, हमारा बॉडी हमें बैड सिग्नल देना शुरू करता है, हमारा बॉडी साथ छोड़ना शुरू करता है, हमें तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तब हम उन सब चीजों पे फोकस करते हैं कि अरे ये चीज ऐसे क्यों हुआ, वो चीज ऐसे क्यों हुआ, तब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तब डॉक्टर जब बीमारी बताते हैं तब जाके हम सारी चीजों के बारे में ना अपने आप को एकदम ये हो जाते हैं, जैसे चौगन्ने हो जाते हैं कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक हमारी हेल्थ सही रहती है ना, हम किसी चीज का एक्चुअली केयर नहीं करते। लेकिन हकीकत में अगर हम लोगों को अपने आप को ठीक रखना है ना फ्रेंड्स, किसी को भी, तो सबसे पहले ना आप जब हेल्दी रहो ना उसी टाइम में आप अच्छे से हर चीज का केयर करो। कोई चीज बिगड़ जाने के बाद उसको ठीक करने से अच्छा है कि उसको बिगड़ने ही आप ना दो, है ना। बाकी तो देखिए कुछ कुछ चीजें होती है कि आपकी डेस्टिनी के भी ऊपर होती है कि हाँ, आप ऐसा तो नहीं है कि आप जितना भी ये कर लो अपने आप को सही कर लो, कुछ कुछ चीजें अलग बाई चांस भी आपके साथ प्रॉब्लम होती रहती है, उसमें आपका जोर नहीं है। बट हाँ, जितना चीज हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, वो चीजें तो हम ठीक कर सकते हैं। बाकी रही डाइट की बात, तो मैं थोड़ा बहुत जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को बताती जा रही हूँ। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो कि मैं बोलना एक्चुअली नहीं चाह रही थी कि क्या बार बार बोलूं, मेरी जो है ना ये वेट लॉस जर्नी जो फिर से मैंने शुरू की, फिर से मेरी खराब हो गई, नहीं मैं कर पाई। सो मैं अब रमजान से ना अभी भी मैं जो हो रहा है हेल्दी चीजें खाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप खाने का पोर्शन वगैरह देख रहे हैं, मैं कितना कंट्रोल करके खा रही हूँ, ये अलग बात है कि उतना ज्यादा मुझ पर इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा थायराइड अभी भी उतना ज्यादा कंट्रोल भी नहीं आया। दूसरी चीज की मैं ना रमजान में ना एक अच्छी डाइट अपनी करूंगी, अच्छी वाली डाइट की रमजान में कोशिश करूंगी कि वेट लॉस अच्छे से करूं, और उस टाइम में ना आपको प्रॉपर मेरी सहरी की, इफ्तार की और डिनर की जो भी मील रहेगी ना, वो प्रॉपर मैं आप लोगों को एवरी डे का शेयर करूंगी।
तो वो वाली जो है ना डाइट आप रमजान में मेरे साथ साथ अगर आप चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, हम लोग सब मिल करके अपना वेट लॉस करेंगे। तो बस यही है फ्रेंड्स, और भी वेट लॉस से लेकर के बहुत सारे कमेंट आए हैं बहुत सारी चीजों का, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अभी ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया फ्रेंड्स, और ब्लॉग बड़ा हो जाता तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ब्लॉग बड़ा हो जाता तो नेट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है दिन, फिर आप लोग पूरा ब्लॉग को बहुत लोग वॉच भी नहीं करते हैं, तो इसलिए ब्लॉग मैं कोशिश करती हूँ कि फिर 15 मिनट से 16 मिनट और लास्ट 17 मिनट, उससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए बाकी अगर मुझे कुछ ऐसा कमेंट लगा, बाकी मैंने सारे कमेंट का YT से रिप्लाई कर दिया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।